हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स में एडमिशन के लिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर का सेट यानी कि टेस्ट बुकलेट कोड है डी। इसमें आपका इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने इस पेपर का सेक्शन सी जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन पहले ही इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता के क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं समझाऊंगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन ऑड वन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? ऑप्शंस हैं PQRS, सेकेंड है LMNOP, 3 BCDE, 4 FGHI। सो फर्स्ट ऑप्शन में PQRS लेटर्स एक के बाद एक हैं, उसके बाद है LMNOP, इसमें भी है बट इसमें 5 है, पहले वाले में 4 थे। उसके बाद है BCDE, ये भी लेटर्स एक के बाद एक कंसेक्यूटिव हैं। फोर्थ ऑप्शन FGHI, इसमें भी कंसेक्यूटिव है और ये भी 4 है। सो ऑप्शन 1, 3 एंड 4 में 4-4 लेटर्स हैं कंसेक्यूटिव, बट ऑप्शन 2 में 5 लेटर्स हैं, सो ये ऑड वन हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 35 out of 70 पीपल आर डायबिटिक, विच फिगर विल डिपिक्ट द डायबिटिक ग्रुप। यदि 70 में से 35 व्यक्तियों को मधुमेह है तो कौन सी आकृति मधुमेह वाले व्यक्तियों को निरूपित करेंगी? और इसमें आपको 4 आकृति दिए हुए हैं। इसमें 70 में से 35 यानी कि 35/70 इज इक्वल टू हाफ होता है, और हाफ को हम एक हाफ सर्कल या सेमी सर्कल से डिनोट करते हैं, यानी कि अर्थ चंद्र वाला आकृति यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। आपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि कैसे फ्रैक्शंस को डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स यानी आकृति से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर और एक फिगर दिया हुआ है, इज एम्बेडेड इन वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेंस फिगर एज इट्स पार्ट। आकृति चारों में से किसी एक विकल्प में निहित है, उस विकल्प का चयन करें जिसके भाग के रूप में आकृति निहित है। तो क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि ये फिगर गिवन जो 4 ऑप्शन है उनमें से किस में एम्बेडेड है यानी कि उसमें निहित है। तो जो गिवन फिगर या आकृति है वो हमारा बी ऑप्शन में है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो, विच इज इन लाइन विद द सीक्वेंस इन द क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरिए जो प्रश्न में अनुक्रम के अनुरूप हो। तो ये क्वेश्चन आपका इंटेलिजेंस का चैप्टर सीरीज से है जो कि मैंने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है चैनल पे, तो वो वीडियोस आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे। तो PUEQVFRWG के बाद डैश है, उसके बाद TYI है। तो सीक्वेंस में देखिए, पहले पी के बाद क्यू है नेक्स्ट वाले सीरीज़ में, फिर क्यू के बाद आर, फिर आर के बाद एस होगा हमारा, एंड एस के बाद टी जो कि दिया हुआ है। उसी तरह से यू के बाद वी है, वी के बाद डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू के बाद हमारा एक्स होगा और एक्स के बाद वाई दिया हुआ है। फिर ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद होगा हमारा एच, एच के बाद आई दिया हुआ है। तो ब्लैंक में आएगा SXH, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 105, इफ़ ग्रेन इज़ रिलेटेड टू वेयर हाउस देन वाटर इज़ रिलेटेड टू डैश। ऑप्शन हैं एस्टुअरी, रिवर, कैनल या डैम। यदि अनाज का संबंध गोदाम से है तो जल का संबंध किससे होगा? ये आपका चैप्टर एनालॉजी से है, ये चैप्टर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो वेयर हाउस यानी कि गोदाम में अनाज या ग्रेन रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। उसी तरह से वाटर यानी कि पानी रखा या स्टोर किया जाता है डैम यानी कि बांध में, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, स्मोक इज टू पोल्यूशन, वॉर इज टू डैश। ऑप्शन हैं पीस, विक्ट्री, ट्रीटी, डिस्ट्रक्शन। सही विकल्प का चयन करें, धुआं, प्रदूषण, युद्ध, डैश। तो स्मोक यानी कि धुआं से पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण होता है, उसी तरह से वॉर यानी कि युद्ध लड़ने से डिस्ट्रक्शन मतलब विध्वंस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, स्मॉल MM, कैपिटल OO, स्मॉल QQ, कैपिटल SS, डैश। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करें। तो फिर से सीरीज यानी कि श्रेणी का क्वेश्चन, इसमें M के बाद N आता है बट N नहीं है, तो N के बाद कैपिटल O है, उसके बाद P को छोड़ के
स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू के बाद आर होता है, आर को छोड़ के कैपिटल एस, उसके बाद टी को छोड़ के स्मॉल यू होगा। आंसर होगा स्मॉल यू यू, यानी कि ऑप्शन नंबर वन। अगला क्वेश्चन है, देयर आर फोर बिल्डिंग्स इन अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ए बी सी एंड डी, ईच वन इज़ ऑफ अ डिफरेंट हाइट, डी इज़ ओनली शॉर्टर देन बी, ए इज़ शॉर्टर देन डी एंड सी, विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ देम ऑल। एक आवासीय परिसर में चार भवन हैं ए बी सी डी, प्रत्येक की ऊंचाई अलग है, डी की ऊंचाई केवल बी से कम है, ए की ऊंचाई डी और सी से कम है, इनमें से किसकी ऊंचाई सबसे कम है। ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। क्वेश्चन में बताया गया है कि डी का ऊंचाई बी से सिर्फ कम है, यानी कि डी सिर्फ बी से छोटा है। उसके बाद है ए डी और सी से छोटा है। एक और चीज़ यहाँ दिया गया है कि सबका अलग अलग हाइट है, इसलिए हाइट का ऑर्डर हो जाएगा बी डी सी ए, तो ए सबसे शॉर्ट होगा। ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, व्हाट कम्स इन द प्ले क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, निम्नलिखित अंकीय श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सीरीज हमारा है 4, 12, 36, 108, 324। सीरीज को अच्छे से देखने से पता चलेगा कि एक के बाद एक जो नंबर्स आ रहे हैं वो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, यानी कि 4 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 × 3 36, 36 × 3 108, उससे बाद 3 मल्टीप्लाई करने पे 324, तो हमें फिर से 324 में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो होगा 972, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, टू पोजिशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन द टॉप इज 5। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, यदि उसके ऊपरी फलक पर 5 हो तो नीचे फलक की संख्या क्या होगी। तो लूडो की गोटी का दो साइड से चित्र दिया हुआ है, हमें बताना है कि अगर 5 ऊपर आ जाएगा तो नीचे कौन सा संख्या होगा। तो इन दोनों चित्र को अच्छे से देखने से हमें पता चलेगा कि 3 जब ऊपर रहेगा तो पहले 6 और 5 आपस में एडजस्टेंट है और 2 और 4 भी एडजस्टेंट है, इसलिए जो दो बाकी साइड है 6 5 के बाद 2 आएगा फिर 4 आएगा, और इस पासे को जब हम पलट देंगे यानी कि 5 को ऊपर ले जाएंगे तो 4 हमारा नीचे आएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, आर इज केस सिस्टर, P is K's brother, Q is T's father, who is P's brother, H is K's mother, at least how many sons do Q and H have? R K की बहन है, P Q का भाई है, Q T का पिता है जो कि P का भाई है, H K की माँ है, Q और H के कम से कम कितने पुत्र हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं 3, 2, 1 और 4। तो R K की बहन है, P K का भाई है, T P का भाई है यानी कि K का भी भाई है, Q T के फादर हैं यानी कि इन चारों के फादर हैं, और H इन चारों की मॉम है। हमें ये नहीं बताया गया है कि K लड़का है या लड़की, तो Q और H के दो बेटे यानी कि T और P तो एटलीस्ट हैं ही। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 2। विच फिगर अमंग द फोर अल्टरनेटिव्स ए बी सी डी वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन फिगर 4। आकृति 4 में प्रश्नवाचक चिन्ह को ए बी सी डी में से किस विकल्प आकृति से प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो हमें बताना है कि यहाँ पे फोर्थ पोजीशन में कौन सा फिगर आएगा। तो ब्लैक डॉट सबसे पहले राइट के नीचे कॉर्नर में है, उसके बाद सेकंड पोजीशन में राइट के ऊपर में है, थर्ड पोजीशन में लेफ्ट के ऊपर है, तो फोर्थ में वो लेफ्ट के नीचे आएगा। उसके बाद सेंटर में जो सर्कल है उसमें एक लाइन है, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन में लाइन नीचे है, सेकंड पोजीशन में लाइन लेफ्ट में है, थर्ड में ऊपर है, तो फोर्थ में राइट में आएगा। तो डी वाला फिगर यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला है, विच सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स कैन रिप्लेस स्टार इन द गिवन इक्वेशन टू बैलेंस द इक्वेशन, 7 star 7 star 2 star 1 = 12। दिए गए समीकरण में तारा को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय प्रकृतियों में किस क्रम को चुना जाना चाहिए जिससे समीकरण को संतुलित किया जा सके। तो हमें बताना है यहाँ पे कि कौन कौन से मैथमेटिकल ऑफ सिंबल्स हम यूज करके ये जो इक्वेशन यानी कि समीकरण दिया हुआ है उसका आंसर 12 होगा। तो इसके लिए हमें चारों ऑप्शन में दिए गए सिंबल्स को यूज़ करके ट्राई करना पड़ेगा किसमें 12 आएगा। चारों ऑप्शन के सिंबल्स का यूज़ करने के बाद हमें दिखेगा कि ऑप्शन 2 यानी कि प्लस माइनस और इनटू वाला जो सिंबल्स हैं वो यूज़ करने पे हमारा आरएचएस 12 आएगा, तो इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट्स फ्रॉम अ बस स्टेशन, द स्टेशन मास्टर टोल्ड अ पैसेंजर दैट अ बस हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स अगो एंड द नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:35 AM, एट व्हाट टाइम द स्टेशन मास्टर गेव दिस इन्फॉर्मेशन टू द पैसेंजर।
एक बस अड्डे के हर 30 मिनट पर एक बस दिल्ली के लिए जाती है। स्टेशन मास्टर ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले ही एक बस निकली है और अगली बस 9:35 AM चलेगी। स्टेशन मास्टर ने यात्री को यह सूचना किस समय दी? तो देखिए, बस हर 30 मिनट में जाती है, तो अगला बस इसमें बताया गया कि 9:35 में है, और जो बस जिसका बात किया जा रहा है वो 9:35 से 30 मिनट पहले गई होगी, यानी कि 9:05 में गई है। और स्टेशन मास्टर पैसेंजर को ये बता रहे हैं कि बस 10 मिनट पहले गई है, यानी कि जब पैसेंजर को स्टेशन मास्टर ये बात बता रहे हैं तब टाइम हो रहा है 9:05 में बस गया है प्लस 10 मिनट, यानी कि 9:15, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, सुरवी इज़ फेसिंग ईस्ट, शी टर्न्स 90 degrees इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड मूव 2 kilometers, देन शी टर्न्स 145 degrees इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड मूव्ड 1 kilometer, विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ? सुरवी पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, वो दक्षिणावर्त दिशा में 90 degrees मुड़ती है और 2 kilometer चलती है, फिर वह 145 degrees दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ती है और 1 kilometer चलती है, अब वो किस दिशा की ओर अभिमुख है? तो सुरवी को मान लेते हैं पॉइंट ओ पे खड़ी है और वो ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में देख रही है, उसके बाद वो 90 degrees मुड़ती है तो वो एस यानी कि साउथ दिशा में देख रही होगी, साउथ दिशा में वो 2 kilometer चलती है यानी कि वो ओ से पी तक अभी गई हुई है, फिर वो 145 degrees मुड़ती है यानी कि वो पी पॉइंट से अब 145 degrees मुड़ेगी और उसके बाद 1 kilometer चलती है, यानी कि वो पी से क्यू की तरफ 1 kilometer चली, तो अब वो फाइनली पॉइंट क्यू पे है और अब वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर देख रही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज पैरोट इज रिटन एज 1 2 3 3 4 5 एंड SOAT इज रिटन एज 6 4 2 5, देन हाउ वुड रोस्ट बी रिटन इन दैट कोड? यदि एक विशेष कूट भाषा में पैरोट को 1 2 3 3 4 5 के रूप में लिखा जाता है और SOAT को 6 4 2 5 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रोस्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, रोस्ट जो वर्ड है वो पैरोट और SOAT में जो वर्ड्स हैं उन्हीं से बना है, तो रोस्ट का R हो जाएगा 3, O हो जाएगा 4, A होगा 2, S होगा 6, T होगा 5, 3 4 2 6 5 जो है ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग फिगर्स फ्रॉम द गिवन alternatives, दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो हमें 3 नंबर ट्रीज दिए हुए हैं, पहले में 7 10 15, फिर है 9 39 45 और नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क 49 56, हमें क्वेश्चन मार्क पता करना है। तो देखिए, फर्स्ट ट्री में 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 होगा एंड इस 5 को हम प्लस 2 करेंगे तो 7 आएगा। नेक्स्ट ट्री में है 39 प्लस 6 45 और 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। इसी तरह से थर्ड में 49 प्लस 7 56, तो 7 के साथ हमें प्लस 4 ऐड करना पड़ेगा, पहले में प्लस 2 सेकेंड में प्लस 3, तो अब थर्ड में प्लस 4 ऐड करेंगे तो 7 प्लस 4 11, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, फाइंड आउट द पेयर इन विच द वर्ड्स बियर द सेम रिलेशनशिप टू ईच अदर एज द गिवन वन, ऑस्ट्रिया एस्ट्रो वियना। विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जिसमें शब्दों का परस्पर संबंध दिए गए युग्मों के समान है। यहाँ पे ऑस्ट्रिया एक कंट्री यानी देश है और वियना उसका कैपिटल यानी राजधानी है। उसी तरह से ऑप्शन 1 का इजिप्ट एक देश है और कायरो उसका कैपिटल यानी राजधानी है, और इस तरह का रिलेशन या संबंध बाकी 3 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द वर्ड कंडक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंडक्ट के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन है डक्ट, काउंटेड, काउंट और डोनट। तो ये जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा वर्ड कंडक्ट में जो लेटर्स है उनसे नहीं बनाया जा सकता। यहाँ देखिए, डक्ट, काउंट और डोनट ये 3 वर्ड बनाया जा सकता है कंडक्ट वर्ड के लेटर से, बट काउंटेड में एक ई है जो कि कंडक्ट वर्ड में नहीं है, इसलिए कंडक्ट से हम काउंटेड नहीं बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो, आकाश इज 14 फ्रॉम द राइट हैंड, इफ ही इज शिफ्टेड 6 places टू द लेफ्ट, वॉट इज हिज पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? एक पंक्ति में 37 लड़के खड़े हैं, आकाश दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, यदि वह बाईं ओर 6 स्थान आगे बढ़ जाता है तो बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा? प्रश्न का हल करने के लिए हम सबसे पहले 37 जगह बनाएंगे। अब बोला जा रहा है कि आकाश राइट साइड से यानी कि दाएं ओर से
14वें स्थान पर है। तो आकाश को हम ब्लेस करेंगे 14th पोजीशन पे फ्रॉम द राइट। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि उसको 6 प्लेस लेफ्ट यानी बाईं ओर शिफ्ट किया जा रहा है। तो हम शिफ्ट करते हैं आकाश को। शिफ्ट करने के बाद पूछा रहा है कि लेफ्ट ओर से यानी कि बाईं ओर से आकाश का पोजीशन क्या होगा। तो बाईं ओर से अगर आप काउंट करोगे तो आकाश 18th यानी कि 18वें स्थान पर है। सो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन लैंग्वेज फाइट इज रिटन एज TGHFI, देन हाउ विल पेपर बी रिटन इन दैट कोड। एक विशेष कूट भाषा में फाइट को TGHFI के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पेपर को कैसे लिखा जाएगा। फाइट को TGHFI के रूप में लिखने से जो रिलेशन इनका बनेगा वही पेपर में यूज करके हमें पता करना है। फर्स्ट लेटर F को 4th स्थान पर लिखा गया, सेकेंड को 5वें पर, थर्ड को 2रे पर, 4थे को 3रे पर और 5th को सबसे पहले स्थान पर। इसी तरह से पेपर को हम लिखेंगे तो हमारा जो वर्ड फॉर्म होगा वो है RPEPA यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, विच कैरेक्टर व्हेन प्लेस्ड एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन शैल कंप्लीट द गिवन पैटर्न। किस अक्षर युग्म से प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने पर दिया गया प्रतिरूप पूरा हो जाएगा। पैटर्न हमारा है AZ, फिर BY, CX और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हम सबसे पहले अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। अब देखिए A के साथ Z है यानी कि फर्स्ट और लास्ट लेटर, उसके बाद BY यानी कि सेकेंड और सेकेंड लास्ट लेटर, फिर है CX यानी कि थर्ड और थर्ड लास्ट लेटर। तो अब हमारा आएगा D और W यानी कि फोर्थ और फोर्थ लास्ट लेटर, और DW हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये होगा आंसर। If A means division, B means minus, C means multiplication and D means plus, then find the value of the following equation. यदि A का अर्थ भाग है, B का अर्थ माइनस है, C का अर्थ गुना है और D का अर्थ जोड़ है, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। तो हम इक्वेशन यानी कि समीकरण को पहले लिख लेते हैं, 16D 64A 4B 4C 3। अब हम इक्वेशन में A, B, C, D के जगह रिप्लेस करेंगे डिवीजन माइनस मल्टीप्लाई प्लस से, तो इक्वेशन बन जाएगा 16 + 64 / 4 - 4 × 3। इसको हम बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व पे हमें 20 मिलेगा जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शंस फॉर द असर्शन ए एंड रीजन आर गिवन बिलो। असर्शन, इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। रीजन, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। निम्नलिखित स्थापना ए और तर्क आर के लिए दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन करें। स्थापना, भारत में लोग अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। तर्क, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। असर्शन यानी कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इंडिया में पीपल यानी कि लोग अपना प्रतिनिधि यानी जिसको वो वोट देके सत्ता में लाना चाहते हैं, और रीजन यानी तर्क में दिया हुआ है भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। आपने सोशल साइंस या SST में पढ़ा होगा कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसीलिए यहाँ पे लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुन सकते हैं। सो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और स्थापना यानी असर्शन का एक करेक्ट तर्क या रीजन है सेकेंड वाला सेंटेंस, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल चेयर एंड फर्नीचर। निम्न में से कौन सा आरेख मेज कुर्सी फर्नीचर के मध्य संबंध को सर्वोत्तम निरूपित करता है। 3 फिगर्स दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि टेबल चेयर और फर्नीचर के बीच में जो रिलेशन यानी कि संबंध है वो कैसा होगा। तो टेबल और चेयर यानी कि मेज और कुर्सी आप जानते हैं कि फर्नीचर में आते हैं, यानी कि फर्नीचर का एक बड़ा सा गोला होगा और उसके अंदर मेज और कुर्सी का 2 छोटे गोले होंगे। ऐसा रिलेशन हमें फिगर डी में देखने को मिल रहा है जो ऑप्शन 4 में है। सो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। तो ये थे 2022 क्वेश्चन पेपर के इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस। मैंने इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता के 3-4 चैप्टर्स डिस्कस किया है चैनल पे, तो उन चैप्टर्स को आप देख लेना, तब आप ये क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना और वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।